अब आप इनकी वॉइसेस भी चेंज कर सकते हैं, प्लस अगर यहाँ पर आपने कुछ गलती से बोल दिया हो या आप बात कर रहे हो और पीछे से बैकग्राउंड में वीडियो बनाते हुए कोई भी ऐसी आवाज आ गई है जो आप नहीं चाहते वीडियो के अंदर शामिल हो, तो आप उसको भी एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हो और आपकी वीडियो के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। चार दफा सख्त हुए तो पांचवी दफा आपको कहीं ना कहीं ना हो, ठीक है? तो आप इसे काफी ज्यादा चीजें यूजफुल चीजें कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट हमारे पास मोशन ब्लर का ऑप्शन है। मोशन ब्लर हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, जैसे कि आप मास्क को यूज करते हुए, ब्लर को यूज करते हुए, स्पीड को यूज करते हुए आप मोशन ब्लर मैन्युअली यूज कर सकते हो। ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है? ये मोस्टली आपको मिल जाएगा डांस वीडियोस के अंदर, दूसरी चीजों के अंदर। बाकी इसका कोई इतना स्पेशल यूज तो मेरे कंटेंट के मुताबिक या फिर इस्लामिक कंटेंट के मुताबिक, और भी काफी कंटेंट ऐसे है जिनमें मोशन ब्लर का कोई काम नहीं होता, और अगर थोड़ा बहुत काम होता भी है तो वो आप मैन्युअली बस इजीली कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टेबलाइजर का। स्टेबलाइजर एक बेहतरीन ऑप्शन है। कोई भी आप वीडियो बना रहे हो, आपका हाथ थोड़ा सा हिल गया है, या अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, ट्राइपॉड क्या होता है जिसके ऊपर आप मोबाइल रख देते हो और फिर अपनी वीडियो शूट करते हो, उससे आपका कैमरा बिल्कुल जरा सा इधर उधर हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने हाथ से वीडियो शूट कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी वीडियो जो है वो हिल गई है, तो फिर आप ये स्टेबलाइजर लगा सकते हो, और स्टेबलाइजर लगाने से आपकी वीडियो एकदम स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, जैसे ये वीडियो है, ये देखो, ये हाथ से बनाई गई सारी वीडियो जो है वो हिल रही है। जैसे हम इसके ऊपर स्टेबलाइजर अप्लाई करेंगे, ये ठीक है। अच्छा, स्टेबलाइजर में क्या होता है, तीन ऑप्शन होते हैं। एक होता है मिनिमल क्रॉपिंग, एक होता है रिकमेंडेड, और थर्ड होता है मोस्ट स्टेबल। जो एक मिनिमल क्रॉपिंग होता है उसमें उसको आप यूज कर सकते हो, अगर बिल्कुल जरा सा आपका हिला ना तो वो आप यूज करो। रिकमेंडेड में ये होता है कि अगर थोड़ा ज्यादा, जैसे इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा हिल रहा है हाथ ना, तो वहां पर अगर ये ज्यादा हिल रहा है तो आप रिकमेंडेड उसको रखो। और थर्ड होता है मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल जो होता है वो इतना ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें आपकी वीडियो बिल्कुल क्रॉप हो जाती है, प्लस आपका फ्रेम रेट जो है वो उल्टा गिर जाता है, वीडियो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप दरमियान वाला ऑप्शन है रिकमेंडेड, उसको ही हमेशा क्लिक करो। अब मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, ये देखो, अब बिल्कुल भी वो हिल नहीं रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि हाथ से शूट की गई है, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ट्राइपॉड से बनाई गई है। तो ये होता है स्टेबलाइजर का फायदा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी में ये होता है कि आप अपनी वीडियो की ओपेसिटी को कम कर सकते हो। इससे ये होगा कि अगर आपने इसको पहले ओपेसिटी ज्यादा कर लेते हैं, इसे क्या होता है कि अगर मैं ओवरले में जाकर यहाँ एक और वीडियो रख दूं, ये वाली मैं वीडियो रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, और अगर इसकी मैं ओपेसिटी कम कर दूं, तो ये देखिए वो पिछली वीडियो के साथ मिक्स हो जाएगी, ठीक है, और दोनों वीडियो मिक्स लगेंगी। ओपेसिटी से ये होता है कि आप इसकी ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको मैनेज कर सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिवर्स का। अगेन ये एक बहुत बेहतरीन हमारे पास ऑप्शन है। अब कोई अगर छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो करके, देखिए अब ये एक 5 सेकंड की वीडियो है, मैं बाकी सब कुछ डिलीट कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे कि ऊपर टाइमिंग भी आपको शो हो रही है, ये 5 सेकंड की वीडियो है, लेकिन मैं इसको 10 सेकंड या 15 सेकंड की वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं पहले डुप्लीकेट करूंगी, ये डुप्लीकेट कर दिया मैंने, डुप्लीकेट करके मैं इसको यहां से रिवर्स कर दूंगी, और ये अब 11 सेकंड की बन चुकी है, और 11 सेकंड की भी इस तरह से बनी है कि किसी को पता नहीं लगेगा कि इसको मैंने एडिटिंग के जरिए ज्यादा किया, ऐसे लगेगा कि वीडियो बस बन रही थी और ये थी ही 11 सेकंड की। अब इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते हैं, जब आप रिवर्स वाली वीडियो देखोगे ना, तो उसमें ना सिर्फ वीडियो रिवर्स हुई है बल्कि ऑडियो भी रिवर्स हो गई है, और यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट वॉइस है ना वो बहुत ज्यादा काम आएगा। अब पहले मैं क्या करती हूँ कि इसके रिवर्स को कैंसिल कर देती हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये रिवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब रिवर्स कैंसिल करने के बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे ले जाऊंगी,
ये देखिए ऑडियो मैंने इसकी एक्सट्रैक्ट कर ली और वीडियो को जस्ट मैं कर दूंगी रिवर्स। तो अब जब हम वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो ऑडियो जो है वो हमारी रिवर्स नहीं हुई, जस्ट वीडियो रिवर्स हो गई है और हमें एक 11 सेकंड की वीडियो भी मिल गई है। तो बस यही तक थी हमारी आज की क्लास, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, बाय बाय।